बेतिया राज कचहरी का नज़ारा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे बंदोबस्ती वाला ज़मीन, पट्टा वाला ज़मीन और लीलामी से संबंधित ज़मीन का आप रिकॉर्ड में चेक करवा सकते हैं। उस समय देखिए रोशनदानी के लिए, लाइट के लिए कैसा व्यवस्था किया गया है। इससे हवा भी आ रहा है यहाँ पे। अगर आप 2 मिनट खड़ा हो जाएंगे, यू कैन फील कि हम एसी रूम में बैठे हुए। उस समय का इंजीनियरिंग कितना विकसित था, एक आज आप देख सकते हैं बिहार में पुल का क्या स्थिति है। ये देखिए बिहार में ही बेतिया जिला में अभी हम खड़े हैं। ये हवा के लिए बनाया गया है। देखिए कि हम अभी आपको दिखाएंगे एंट्री गेट कैसे है इसका। हम अंदर आए हैं तो उसका नज़ारा दिखा रहे हैं। ये सब इलेक्शन वगैरह के समय का अपना बना है, यूज किया गया है प्लेस को। ये देखिए बिहार राज्य खाद निगम बेतिया। ये देखिए लाइटिंग के लिए क्या व्यवस्था किया गया था उस समय। ये देखिए ये अभिलेखागार नंबर 1 है बेतिया राज का। ये अभिलेखागार नंबर 2, यहीं से आप अपना कंसर्न जमीन, जो भी संबंधित जमीन है उसका डिटेल्स, खाता, खेसरा, जामाबंदी नंबर, किसके नाम पे है, मौजा का मतलब होता है कहाँ पे है, नजारत प्रशाखा पे, मान्य प्रशाखा, सामान्य प्रशाखा, बेतिया राजस्व तहसील शाखा। ये एंट्री गेट है, मैं अभी बाहर से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए डिजाइन, व्यवस्थापक बेतिया राज अविनाश कुमार। ये देखिए बाउंड्री, ये है बेतिया राज का जो टाइम दिखा रहा है आपको, जो सामने है ना, ये टाइम दिखा रहा है। आप देख सकते हैं हम 2:35 पे वीडियो बन रहा है। लिखा हुआ ऊपर बेतिया, आप देख सकते हैं। ये है लुक एंट्री गेट। पहले का देखिए गेट का क्या कैसा स्ट्रक्चर था। आई होप एसी वगैरह के लिए यूज होता होगा, पर पता नहीं किस लिए यूज किया गया है। बाद में एसी लगा होगा, मॉडर्न एसी। ये देख सकते हैं आप पहले का घर कैसा बना हुआ है। ये देखिए सेम है, लाइटिंग के लिए सेम स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। देख सकते हैं कितना रोशनी है, लाइटिंग का व्यवस्था किया गया। Thank you.